हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर पेंट में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे, जब से चाइनीज़ के 59 ऐप बैन हुए तब से मुझे कमेंट आ रहे थे कि जीली ऐप कौन से देश का, भाई हमें बताइए तो जीली ऐप। तो दोस्तों, मैं आज आपके सवालों का जवाब लेकर आ गया हूँ। तो आपके सवालों को जवाब देने से पहले यार एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी वीडियो आए और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए हम जीली ऐप का रिव्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीली ऐप में बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक फ़नी ऐप है और इसके द्वारा आप अच्छे अच्छे फ़नी वीडियो बनाकर इस पर अपलोड करके एक एंटरटेनमेंट के लिए या एक अपने नेम या फेम के लिए आप इस पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप एक मस्त बहुत बढ़िया से क्रिएटर बन सकते हो। तो दोस्तों, मेन सवाल ये है, ये मुख्य सवाल ये है कि यह ऐप किस देश के है, इस ऐप का ओरिजिन किस देश के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों, आप प्ले स्टोर पर जाओगे, सर्चिंग करोगे, अबाउट इन्फॉर्म में भी जाकर देखोगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये ऐप किस देश का है या इस ऐप के ओरिजिन कंट्री कौन सी है। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये ऐप 2018 में बन चुकी थी, मतलब 26 नवंबर 2018 में बन चुकी थी, मतलब ये ऐप बहुत पुरानी ऐप है और ये ऐप बहुत पहले ही बन चुकी थी। तो दोस्तों, बहुत पहले बन चुकी थी तो शक जाता है कि ऐप किस देश की हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तो अपने सवालों का जवाब नहीं मिला है तो हम सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करके देख लेते हैं कि जीली ऐप कौन से देश का है। तो चलिए दोस्तों, मैं टाइप कर देता हूँ गूगल पर जीली ऐप कौन से देश का है। तो ये मैंने टाइप कर दिया दोस्तों, जीली ऐप कौन से देश का है, और ये करता हूँ मैं सर्च। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए बड़ा आ नहीं रहा है, बट आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम सर्चिंग पे जाते हैं। तो सर्चिंग में जाते हैं तो फर्स्ट रिजल्ट में ही देख लेते हैं कि जीली ऐप कौन से देश का है। तो दोस्तों, आपको हैरानी होंगी जानकर कि यह ऐप चाइना का है। जी हाँ दोस्तों, यह ऐप चीन का है और ये 2018 में रिलीज़ हो गया था, बट इन्होंने अपने प्ले स्टोर से सारे कंटेंट हटा कर इसे एक बेनामी ऐप कर दिया है। इसके वजह से इस पर बैन नहीं लगा है। अगर इस ऐप में भी ओरिजिन चाइना लिखा रहता है, इसका बिलोंग इट चाइना रहता, तो यह ऐप भी बैन होती। तो दोस्तों, इस ऐप से भी आपका डाटा की कोई दिक्कत नहीं इस ऐप में, क्योंकि आपका डाटा कुछ मांगता नहीं है, तो ये ऐप आपको किसी भी प्रकार का डाटा हैक नहीं करेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।